रजाई सी बात है, गोड़े में पटा पना। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नुमान हसन है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको कहा था कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लेकिन किसी ना किसी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाता मैं तो। और ये मेरा पिंजरा भी बन रहा था, तो मैंने सोचा ये जब पिंजरा तैयार हो जाएगा तब आपको मैं डेली व्लॉगिंग आपको दिखाया करूँगा। तो अब मेरा ये पिंजरा तैयार हो गया, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपसे जो है ना रोज़ाना मुलाकात किया करूँ। तो जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मेरे पास दो शेर के बच्चे हैं, एक टाइगर का और एक शेर का बच्चा है। तो इनको आज मैंने पहली बार जो है गले में पट्टा बनाना है, तो देखना ये है क्योंकि इनको शुरू से आज़ाद पहनने की आदत होती है, मतलब बच्चे हैं, कभी इन्होंने पट्टा कभी गले में पहना नहीं है। तो आज मैं जब इनको पट्टा पहनाऊँगा तो मैंने इनका रिएक्शन देखना है और देखना है कि ये किस तरह बिहेव करते हैं मेरे साथ। वैसे शुरू में बड़ा रूड बिहेव करते हैं, बड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर भी अगर मैंने टेम करना है इनको चेन पे लगाना है, तो इसलिए मुझे पट्टा पहनाना ही पड़ेगा और इनको डेली घंटा घंटा पहना के रखूँगा ताकि इनको चेन पे आदत पड़े। तो जी चलते हैं अब इनके पास। ये देखें, ये मैंने जो है ना यहाँ पे हैंग किए हुए हैं, ये मैं दो नए लेके आया था अभी मार्केट से, पट्टे लेके आया था इनके गले के। ये भी है कि दोनों सेम कलर के लाया था मैं, क्योंकि डार्क कलर था ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी रेड ब्लू थे तो वो लाइन या टाइगर पर सूट नहीं थे करने। और ये मेरी जो है, ये मेरे पास पीछे टाइगर है, इसका नाम है रॉकी, तो इसकी भी तकरीबन 2 महीने एज है। और ये साथ ये फीमेल है, तकरीबन इसकी 2.5 से 3 महीना एज है, इसका नाम मैंने आयरा रखा हुआ है। तो ये बड़ी शरारती है और ये थोड़ी सी अग्रेसिव भी है, ये ज़्यादा तंग करती है टाइगर की निस्बत, तो टाइगर मेरा फिर भी थोड़ा सा ईजी बिहेव करता है। तो अब ये देखें, ये मैंने ताला भी कितना मजबूत रखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इसी की है, क्योंकि सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, कोई खोल ना ले या कोई गलत चाबी लगा के इसको तोड़ ना ले, तो इसलिए मैंने ये बड़ा मजबूत ताला रखा हुआ है। ये रोकी इधर ही आ गया, ये जो है ना ये बड़ा अटैच है मेरे साथ, जब भी मैं आता हूँ तो ये मुझे वेलकम करने गेट पे आ जाता है। और अब ये देखें, अब बैठ गया कि जी जल्दी से आ जाओ अंदर, अब मैं जाऊँगा अंदर तो आपने देखना मेरी ये पेंट भी पकड़ेगा और मेरे साथ खेलने की कोशिश करेगा। रोकी क्या हुआ, रोकी रोकी चलो बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटे क्या चाहिए, मेरे ख्याल से तो अंदर तो मिट्टी है थोड़ी, तो इनको बाहर ही जो है ना मैं ले आता हूँ, उसको भी बाहर बुला देता हूँ। आयरा इधर आओ, आयरा इधर आओ। ये देखे जी, रोकी तो बाहर चला गया, अब ये जो आयरा है ना इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसको समझ नहीं आ रही मैं बाहर कहाँ से जाऊँ। देखें वो रोकी वहाँ पे फिर रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये सामने इसको जगह मिल गई है बाहर जाने की और ये भी चली गई हुई है बाहर। ये देखें, ये थोड़ी सी डरती भी है और ये थोड़ी सी अग्रेसिव भी है, तो ये ज़रा मेरे करीब आने से अवॉइड करती है। रोकी जिस तरह मर्जी इसको ले इसके पास आओ तो ये जो है ना प्यार भी करता है और टेम भी है काफ़ी ज़्यादा। रोकी इधर आओ, किधर भागते रहते हो। आयरा जो है ना ये बड़ी डेंजरस फीमेल है, इतनी सी एज में जो है ना इसने मुझे डराया हुआ है। रोकी चिल है, रोकी से मुझे बड़ा प्यार है क्योंकि ये बहुत चिल है, ये कहता भी कुछ नहीं है। तो जी मैंने यहाँ पे ना एक फीडर छुपाया था, जो कि जब मैं बना के लाया था तो रोकी को नज़र आ रहा था और वो पागल हो रहा था कि मुझे पिला दो, तो उसकी वजह से ये टाइगर के मैंने पूल में फीडर को छुपा दिया था कि सामने फीडर पड़ा हुआ है। ये इसका पूल है, अभी सर्दी होने की वजह से इस पूल में मैंने पानी नहीं डाला हुआ, जब गर्मी आएगी तो इसको मैं पानी से भर दूँगा और जो टाइगर है अपने गर्मी इसी पानी में इंजॉय करेगा, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है, ये पानी के बगैर रह नहीं सकते। तो इसमें फ़िलहाल तो खाली है, ये फीडर मैंने यहाँ पर छुपाया हुआ था और ये फीडर ये फुल है, इसको मैंने पहले दूध पिलाना है, फिर उसके बाद ये इसका पट्टा पड़ा हुआ है, फिर ये रॉकी को भी लगाऊंगा पट्टे पे और दूसरी फीमेल को भी। ये अब इसको मैं दिखाता हूँ, रॉकी इधर आओ, ये लो फीडर भी लो, रॉकी आ जाओ। ये देखा रॉकी को फीडर नज़र आ गया, अब ये रॉकी आएगा पीछे पीछे, रॉकी आ जाओ
आजो आजो, ये आप देख सकते हैं जानवर है, उसको भी अकल है कि ये मेरे जो है ना काम की चीज़ है। अब वो देखे मेरे पीछे पीछे आ रहा है कि मुझे फीडर पिला दो। अब दूध पी रहा है, सबसे फेवरेट चीज़ इसकी दूध ही है इस एज के लिए। अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है गोश्त खाएगा रेगुलर, लेकिन अभी ये है कि अभी जो इसकी एज है ना उस हिसाब से इसके लिए बड़ा परफेक्ट है ये मिल्क। वो दूसरी जो आयरा है वो गोश्त ही खाती है क्योंकि वो शुरू से फीडर पर नहीं इसको मैंने लगाया। ये रॉकी को मैंने जो है ना शुरू से फीडर पर लगाया तो इसलिए ये 2-2.5 महीने का हो गया, तो अभी भी ये फीडर पर लगा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जब तक 1-1.5 साल तक इसको मैं दूध पिलाता रहूँ फीडर से। ये बादा फीडर इसने पी लिया हुआ है, ये बड़े मज़े से पी रहा है। अब ये एक चीज़ नोट करें कि इनकी स्पीड कितनी है। यही किसी बच्चे को पिलाएं, इंसान के बच्चे को पिलाएं तो वो इतना बड़ा फीडर काफ़ी टाइम में पिएगा, लेकिन ये जानवर है इसकी स्पीड आप देखें कि इसको फील ही नहीं होता कि एकदम से ये फीडर पी लेते हैं सारा। तो जी ये देखें इसने हाफ से ज़्यादा फीडर पी लिया हुआ है, तो अब ये थोड़ी सी इसने एक्टिंग स्टार्ट कर दिया पीते वक्त, तो ये उतर गया मेरी गोद से। तो अभी ये थोड़ा सा जब इसका दूध अंदर जाएगा थोड़ा नॉर्मल होगा, ये दोबारा फिर आएगा मेरे पास पीने, तो इस टाइम के लिए फिर मैंने रखा हुआ है। अभी इसको ज़ाया भी नहीं करना कि 5 मिनट बाद दोबारा आ जाएगा मेरे पास पीने के लिए। ये देखिए जी ये आयरा के हाथ में जो है ना इसका पट्टा लग गया हुआ है, मैंने ज़मीन पर रखा था तो इसके हाथ लग गया हुआ है। अब ये समझ रही है कि मेरी कोई खेलने की चीज़ है, अब ये ले के फेर रही है, लेकिन मैं अभी इसे पकड़ लूँगा, छीन लूँगा इससे, फिर इसको पिलाऊँगा। इसको फिर पता चलेगा कि ये मेरी ही चीज़ थी जो मेरे गले में पड़नी थी। रॉकी जो है ना फुल हो चुका हुआ है, लेकिन अभी मैंने ये सारा दूध ख़त्म करवाना है क्योंकि एक मेजरमेंट रखी होती है डेली की, तो इसको ये मैं 300 ml दूध पिलाता हूँ डेली। अभी इसने 120 छोड़ दिया हुआ है, बाकी पी लिया, तो मैं इसको दोबारा पिलाऊँगा। इसने भी अपना पट्टा पकड़ लिया, इसको भी लग रहा शायद ये उसके कोई खेलने की चीज़ है, लेकिन इसको भी नहीं पता कि ये जो है ना इसी के गले के लिए आई हुई है। बाकी का दूध भी मैं इसको पिला रहा हूँ, अब ये बड़ी स्पीड में पी रहा है दोबारा से। मैंने आपको बताया था जब ये दूध पीते हुए जब ये जो पहले वाला इसने दूध पिया वो नॉर्मल हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर इसको दोबारा तलब हो जाएगी दूध पीने की, तो ये दोबारा पिएगा। ये फिर इसने थोड़ा सा छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं दोबारा नॉर्मल होगा तो इसको मैं दोबारा पिलाऊँगा। ये देखें जी अब ये दोबारा से नॉर्मल हुआ था, अब ये बाकी का जो तकरीबन 50 ml या 100 ml रह गया है वो भी ये पी लेगा। अब ये अपना जो है ना आज की इस टाइम की जो है अपनी डाइट पूरी कर लेगा। ये जी देखें इसने फीडर तो पूरा ख़त्म कर दिया है, तो ये काम तो हो गया। अब जो मेन काम है वो अभी हमने करना है, जो हमारा मिशन है वो हमने पट्टा बनाना है इन्हें, तो वो अब हम करते हैं स्टार्ट। और पहले तो मेरे ख्याल से मैं रॉकी को बनाता हूँ ताकि वो ज़्यादा ईजी है, आयरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, तो उसको फिर मैं बाद में बनाता हूँ। चलो जी रॉकी जी आ जाओ, अब आपको मैं पट्टा बनाऊं। ये देखें इसने तंग करना शुरू कर दिया, ये पनाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती पनाना है इसको। बेटा आराम से पना लो, तंग ना करो, ये बड़ी मुश्किल से पनाया जाता है। ये शेर जो है ना बर्दाश्त नहीं करते इनके गले में कोई चीज़ आए, क्योंकि स्टार्ट है ना जब इनको आदत हो जाती है फिर नहीं इनको इशू होता, फिर इनको पता होता कि ये हमारे लिए ही है चीज़। अब देखें ये मुझे तंग कर रहा है, पनाना नहीं दे रहा, शेर के साथ मुकाबला भी। ये मुझे पीछे से तंग कर रही है, आगे चलो, काट रही थी मुझे पीछे से, मुझे बड़ी ज़ोर से भी इसे बाइट किया तो इसलिए मैंने इसको भगाया। रॉकी पिलाने दो, ये डाल दिया बस ठीक है, रॉकी ने डाल दिया। रॉकी भी बाइट कर रहा, गुस्सा कर रहा है, क्या हो गया तो तुम्हारे लिए लाया हूँ, नई चीज़ पसंद नहीं आई तुम्हें, चलो चलो आराम से बैठो। अजू मुझे आप चेन पकड़ाओ ज़रा, इसको चेन भी डालूँ। ये देखे ये मेरे साथ मस्ती करने लग गया, दिखाओ ज़रा चेन से भी आज बांध ही देते हैं इसको। ये देख रहे ये गुस्सा कितना ज़्यादा कर रहा है। ये जी इसकी चेन है, छोटी सी चेन मैं लेके आया था पट्टे के साथ ही थी, तो मैं कहा चेन भी लगते आज बांध ही दूँ। ये देखें शुरू में जो है ना शेर बर्दाश्त नहीं करता, टाइगर हो या शेर हो जो भी हो ये बर्दाश्त नहीं करते। ये देखें ये अब कितना तंग हो रहा है चेन से, लेकिन अगर मैंने चेन पे इनको लगाना है तो ये थोड़ा सा मुझे इनको तंग तो करना ही पड़ेगा। 1-1.5 हफ्ता ये लेंगे ऐसे तंग होंगे, 1-1.5 हफ्ता मैं डेली इनको 1-1 घंटा बांधा करूँगा, तो 1 हफ्ते में ये सेट हो जाएंगे। इनको पता होगा कि ये चेन हमारे लिए ही है और हमें बनानी ही है। इन्होंने इसको बांधना है यहाँ पर, वो मुझे क्लिप पकड़ाओ ज़रा, क्लिप जो है ना ये क्लिप से बांध देते हैं इस जाली को,
ताकि ये यहाँ पे बंधा रहे और मैं फिर उसको आयरा को पकड़ूँ। ये जी इसको मैंने बांध दिया यहाँ पे, अब ये लेटा हुआ है और ये तंग हो रहा है कि मुझे गले से चेन को भी उतारो और पट्टे को भी उतारो। वो देखें चेन को बाइट कर रहा है कि शायद मैं तोड़ दूँ इसको चेन को, लेकिन ये अभी छोटा है ये चेन नहीं तोड़ सकता। ये और 2 महीने जब बड़ा हो जाएगा इस चेन को ये बड़े आराम से तोड़ सकता है, फिर इसके लिए मोटी चेन लानी पड़ेगी। क्या हो गया रोकी, इजी हो जो, इजी हो जो, तुम्हारे लिए ये यार कुछ नहीं होता। अब ये आ गई, ये पकड़ी गई। ये जो है ना ये बहुत तंग करती है। क्या हो गया ये, आपने देखना है ये उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है और तंग भी बहुत करती है। इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, मुझे इस तरह बैठना पड़ेगा, इसको काबू करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये उससे एज में थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है उससे, तो इसलिए ये ज़्यादा तंग करती है मुझे। ये जी अब मैं इसको पहनाने लगाऊँ। ये जो है ना ये देखें वाजे निकाल रहा है, गुस्सा भी कर रहा है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके जितना गुस्सा नहीं कर रहा टाइगर जितना। टाइगर ने ज़्यादा तंग किया था, वैसे गुस्सा कर रहा, लेकिन अब देखें हिलने भी लग गया। नहीं मैंने सही सोचा था इसके बारे में कि ये मुझे ज़्यादा तंग करेगा। रुक जा ओए आराम से, ये देखें टाइगर छुड़वाने आया उसको, कि पता नहीं मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। टाइगर जो है ना उसको बचाने आया है। रोकी क्या कर रहे हो, रोकी रोकी क्या हो गया, रोकी जो है ना आयरा के साथ खेलने आया। ये मैंने एक मिनट आराम से, एक मिनट पहना दिया है जी। ये मुझे चेन पकड़ाओ, इसको भी चेन बांध ही देता हूँ ताकि जो है ना इसको भी आदत हो चेन के साथ अटैच होने की। इसको भी 5 मिनट के लिए मैं बांधता हूँ ताकि इसको पता हो मैंने भी बांधना है। रोकी का तो बांधा हुआ है, इसको भी थोड़ी मुश्किल में डालते हैं आप। किधर आओ, इसको किधर बांधे, इसको इधर बांधते हैं, इसको यहाँ पे बांध दिया। चलो अब 5 मिनट इधर ही बांध ही रहो और जो है ना ज़्यादा शरारतें नहीं करनी, आराम से बैठ जाना अब। फिर जी ये आज का जो मेरा मेन काम था ये हो गया हुआ है और अब ये मैं देखता हूँ कि ये कैसे, अब देखें ये अब जाएगी, इसको पता नहीं अभी चेन डली है, अब जब झटका लगेगा, अब उसको झटका लग चुका हुआ उसको पता चल गया मेरी चेन बंद की है। अब मैं इनको इसी तरह तकरीबन डेली आधा आधा घंटा चेन के साथ बांधा करूँगा और इसी तरह इनको चेन पर अटैच करूँगा ताकि मैंने जब भी निकाल लूँ मैं चेन डाल के इनको आसानी से निकाल सकूँ। अब ये देखें ये बड़ा गुस्सा कर रही है, ये देखें जी बड़ा गुस्सा कर रही है। अब रोकी भी जो है ना चेन को काटी जा रहा है कि किसी तरह मैं चेन को काट के आज़ाद हो जाऊं। ये देखें इसके भी मुंह में है चेन, दोनों अब इस टाइम पे ना हलचल में है, दोनों तोड़ने की कोशिश में है कि मैं किसी तरह हम चेन तोड़ लें और आज़ाद हों। लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं इनको चेन पे लगाऊं क्योंकि मैंने इनको टेम करना है, तो अगर ये चेन पे नहीं लगेंगे तो ये फिर टेम भी नहीं हो सकेंगे। चेन पे टेम करने का मकसद ये होता है कि किसी पे अटैक कर रहे हो या कोई और इशू हो तो बंदा थोड़ी देर के लिए इनको बांध लेता है। वैसे तो इनका ये बहुत बड़ा केज बना हुआ है, लेकिन यह है कि फिर भी कोई सफाई करने के लिए या किसी पे अटैक करे उससे बचने के लिए इनको बंदा चेन से पकड़ के खींच तो सकता है ना। ये देखें ये कितनी जो है ना तंग हो रही है इस टाइम, ये जो है ना अब चेन से कितना तंग हो रहा है, लटका हुआ है चेन को पकड़ के कि इतना तोड़ लूँ किसी तरीके से। ये देखें ये क्या हो गया, रोकी थोड़ी देर आधा घंटा बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। ये ऊपर मैंने क्लिप से बांधी हुई है ऐसे। रोकी क्या हो गया, रोकी मैंने तो सोचा था वो ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन मुझे तो फिलहाल रोकी ज़्यादा तंग कर रहा है चेन में, मुझे नहीं मतलब कि वहाँ पर बंधा हुआ है और ख़ुद ही तंग हुई जा रहा है। ये जो है ना ये फिर भी उसके मुकाबले में थोड़ी सी इजी है। ये आपने देखा फिर कि मैंने इनको कैसे पट्टा बनाया था और ये अब ये फ़िलहाल थोड़े से इजी हो गया। इसको आवाज़ें तो मारा लेकिन इसको पता है कि ये मेरी चेन है, मैंने इसी तरह रहना थोड़ी देर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मुलाकात करूँगा और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। और मेरी आपसे भी जो है गुजारिश है कि मुझे बताएँ कि मैं किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊँ। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।